नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं आजाद बिहार न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी जिला के रून्नी सतपुर प्रखंड के गाढ़ा पंचायत के वार्ड नंबर 11 में। आपको बता दें, यहाँ पर देर रात में एक घटना हुई है, दिन में घटना हुई है जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। अफसोस की बात है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। आइए आपको पूरा डिटेल्स में हम दिखाते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर आग लग गया है, जो परिजन है आइए उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। उस कैसे हुआ ये सब? ये कोई भी आदमी इस जगह पर नहीं था, जाते नहीं रहते। इसमें हमारे लड़का जैसा आया, घर से आया, इसी टावर में गया। टावर में जाने के बाद इसके बाद आग लगा हुआ था। कब लगा आग? कल खुना 12 बजे करीब में लग गया। कल 12 बजे दिन में लगा? कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा। इसमें सामान उमान भी था? हाँ, सामान भी था इसमें। क्या सब था? सामान था, कपड़ा वपड़ा भी था, गेहूँ था, साइकिल भी था, देखिए गेहूँ का अनाज था। और यहाँ पर आग लगा तो फिर ये कैसे बुझाए आप लोग? समाज लोग जितो जाते बुझाए जाते समाज लोग। दमकल की गाड़ी नहीं आई? गाड़ी भी आया, छोटा जैसे मैंने छोटा आया, वही बुझाया प्रशासन के। आपने खबर किए? हाँ, खबर किए तब उठाए। प्रशासन आया? प्रशासन नहीं आया, गाड़ी भेज दिए। गाड़ी भेज दिए, लेकिन प्रशासन? प्रशासन सीओ साहब आए लो? हाँ, सीओ साहब आए हुए थे। सीओ साहब आए हुए थे। सीओ साहब के तरफ से आपको कोई राहत पूर्ति मिला है? कुछ राहत मिला है? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आपका नाम क्या हुआ? राकेश राउत। राकेश राउत है। आपका ये प्रॉपर है जमीन? हाँ, जमीन। घर? हाँ, घर हमारा है। आप ही का है? वार्ड नंबर कितना है? 11 है। आपने मुखिया जी को पता चला? आपको पंचायत को मुखिया को? हाँ, मुखिया जी भी आए हुए थे। आए हुए थे। हाँ। कुछ राहत मिला? कुछ नहीं मिला। देखिए, अफसोस की बात यहाँ पर यह है से कल 12 बजे दिन में आग लग गया। आग लगने की समाज झुटा। समाज जुटने के बाद यहाँ पर प्रशासन को खबर किया गया, उसके बाद छोटा दमकल की गाड़ी आई और उसके द्वारा ये सब बुझाया गया। उसके बाद यहाँ पर मुखिया जी भी आए और सीओ साहब भी आए, लेकिन पूरा चीज जर जाने के बाद इनको कुछ राहत नहीं मिला है। राहत नहीं मिला है, इसके लिए इनको क्या कह रहे हैं, सरकार से क्या मांग है, प्रशासन से क्या मांग है और मुखिया जी से क्या मांग है, हम इनसे पूछते हैं। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से क्या कहेंगे, अब गरीब आदमी है, जैसे अब जैसे समझे कि अब यही जैसे घर द्वार जर गया हुआ है, जैसे अब जो लोग दे देंगे। देखिए, सरकार से यही मांग है कि इन गरीब आदमी है, सब चीज जर गया हुआ है, सरकार इनको कुछ राहत पूर्ति करे। और आप मुखिया जी तो यहाँ पर आए, देख करके अपना चले गए। हाँ, इस पंचायत को मुखिया जी से हम निवेदन करते हैं कि कम से कम इनको राहत पूर्ति कुछ दिया जाए। इसमें अंदर में कोई जानवर वगैरह, मवेशी, गाय, भैंसी, बकरी ये भी था? हाँ, 2 बकरी था, जैसे बच्चा था 2, जैसे उजर के उसी में रह गया, जैसे एक बाहर में था तो बाहर में जैसे वो भी समाप्त हो गया है। अब भैंस का बच्चा जैसे वो भी डैमेज है, भैंसी भी डैमेज जैसे है। भैंसी सब कहाँ है? देखिए ना, उधर है। ठीक है, दिखा रहे हैं। घर नहीं है तो क्या करे, कहीं ठंडा में बांध दिए हुए। ठंडा में बांध दिए हुए, घर नहीं है तो आइए हम भैंसी को दिखलाते हैं। और पूरा डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं कितना बड़ा घर था, ये देख लीजिए। टीना उना है, मतलब ऊपर जो रखा हुआ है एलिवेस्टर टीना है वो है, आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले पर। और पूरा डिटेल्स में देख यहाँ पर एक ग्रामीण है, उनसे हम बात करते हैं क्या कैसे हुआ, कैसे हुआ। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय शत्रुधन राउत हुआ, हम ग्रामीण है, गराह के हैं, यहाँ गरीब आदमी है, मजदूरी करता है, काम करने गया। 4 गो रूम, 3-4 गो घर था, पूरे घर जल के सामान सहित राख हो गया। रहने के लिए कोई उपाय नहीं है, पन्नी टांग के रहता है, क्योंकि पन्नी भी कोई ग्रामीण खरीद के दिया, ये भी खरीदने का पैसा इसके पास नहीं है। सब इसी में जल गया? हाँ, सब जल गया बिल्कुल। मुखिया जी, इंदिरा आवास दिवाइए, इसको खाने पीने का चावल गेहूँ दिवाइए, डीलर से ये सब मिलना चाहिए, खाने का भी कोई उपाय नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं बचा। मुखिया जी कहे कि हम जाते हैं BDO साहब के कहेंगे, DM साहब के कहेंगे, दिवा देंगे। मुखिया जी आश्वासन दे के गए जी। देखिए, यहाँ पर जो मुखिया जो है इस पंचायत के, उन्होंने आश्वासन दिए हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। तत्काल कुछ इन लोगों के पास डीलर साहब के फंड से और
मुखिया जी के फंड से कुछ मिल जाता तो खाने पीने और रहने की व्यवस्था हो जाता। तब तक देखते रहिए आजाद बिहार न्यूज, अजीत कुमार के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।